नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। झारखंड के धनबाद जिले अंतर्गत कुमारतोबी उप क्षेत्र के बागागुड़ी में कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद जिला प्रशासन सचेत हो गया, साथ ही इलाके में हड़कंप मच गया है। बुधवार की सुबह जिले के ग्रामीण एसपी अमित रेणु, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिल कुमार कुमारतोबी पहुंचकर क्षेत्र का पूरी तरीके से जायजा लिए, साथ ही डेढ़ किलोमीटर के परिधि में पूरे शहर क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया। इस दौरान उक्त क्षेत्र में ना कोई आ सकेगा ना कोई जा सकेगा, सभी दुकानें बंद रहेगी और बाहर निकलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। देखिए, अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारे पास आई है, एक संदिग्ध की सूचना मिली है और अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि एक संदिग्ध कुमार देवी क्षेत्र के हैं, जिसको लोकेट किया गया है एवं इस एरिया को सील बंद करने का जो प्रोसेस है वो चालू किया गया है। यहाँ के जो स्थानीय स्थितियों हैं उनके और जो स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारी लोगजन हैं उनके मदद से यहाँ पे जो एरिया है वो आइडेंटिफाई किया गया है कि किस एरिया को यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन करना है। बेसिकली जो प्रोटोकॉल है, एक बार किसी संदिग्ध के पहचान होने के बाद जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किए जा रहे हैं और जल्द ही इसमें कितने किलोमीटर एरिया तक रेडियस को मतलब आप लोग फिल करने जा रहे हैं? ये डिपेंड करता है, जो गाइडलाइंस है वो कहता है कि 3 किलोमीटर का रेडियस है, बट इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड सिचुएशन की यहाँ की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, इन सब बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से चौक जो रहे हैं जिसको कम्प्लीटली सील करना है वो अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सर, दूध दही जो है, जैसे नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स हुए हैं, तो लोगों तक कैसे पहुँचेगी सर, जरूरत की चीज़ें? इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग की गई है कल, उसमें यही तय किया गया है कि इनको होम डिलीवरी के तहत पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था जारी किया जाएगा, कोई नंबर जारी किया जाएगा जो कि पब्लिक किया जाएगा, उस पर कॉल करने के बाद जो वो मॉडलिटी सभी फाइनलाइज होने बाकी हैं उसी के बेसिस पे डोर टू डोर डिलीवरी किया जाएगा। बैंक बंद रहेंगे या खुले रहेंगे ये अभी डिसीजन लिया जाएगा, जिला स्तर से डिसीजन लिया, लेकिन जो क्षेत्र कॉर्डन हो जाएगा उसमें हर तरीके की एक्टिविटी बंद रहेगी। चैनल के माध्यम से क्या लोगों को अपील करना चाहेंगे? हमारा यही लोगों से अपील है कि चूंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर वायरस किसी व्यक्ति में है और सूचना इसकी होती है और उसके दूसरे व्यक्ति में फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये एयरबॉर्न है, किसी के खांसने छींकने या छूने तक से फैल रही है वायरस। तो हमारा अपील है कि घरों में रहें, बाहर अननेसेसरी ना निकलें, जहाँ तक संभव हो ये प्रयास करें कि कुछ भी आइटम्स, आपको ज़रूरी सामान भी अगर घर से कहीं से लेना है, इस क्षेत्र के अलावा भी मैं लोगों से अपील करूँगा, किसी को अगर ज़रूरत का भी सामान लेना है तो हर संभव प्रयास करें कि मैक्सिमम एक आदमी जाए, कहीं जमावड़ा ना लगाएं। किसी भी प्रकार का सामान लेने के बाद आप तुरंत घर वापस आएँ। अपने आप और जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी प्रकार की असहजता महसूस हो रही है, तबीयत खराब लग रही है, तुरंत जिला प्रशासन को बताएं, छुपाएं नहीं, किसी भी माध्यम से या तो अपने स्थानीय जिला पदाधिकारी को, थाना को डायल 100 पे किसी भी माध्यम से आप सूचना दें, आप तक तुरंत मदद पहुंचाया जाएगा। सर, लॉकडाउन से बाहर किन लोगों को रखा जाएगा, मतलब क्या आपके कंप्लीट लॉकडाउन जो होने जा रहा है तो इसमें क्या हेल्थ को, सेक्टर को या फिर बाकी लोगों, किन लोगों को, मतलब इमरजेंसी? देखिए, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो हेल्थ सर्विसेज जो वाले जो कर्मी जाएंगे उनको तो जाना ही है अंदर, उनको चेक करने के लिए भी जाना होगा, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए। दूसरे जो प्रोटोकॉल्स में है, जिसको भी गाइडलाइंस के हिसाब से एग्जेम्पशन देना है वो एग्जेम्पशन हम लोग देंगे। मुख्यतः इसमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं या कुछ जगहों पे जहाँ पे मीडिया कर्मी को दिया गया है उनको हम लोग करेंगे। ये जिला स्तर से होना है, इसके लिए एक गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। थैंक यू सर, जो कि जल्द ही आप लोगों को बता दिया।